किसान भाइयों, आज जैसे कि हमारा जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री आपसे संपर्क में रहते हैं, समय समय पे आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी जो है बागवानी से संबंधित हम देते हैं, तो आज इस कड़ी में आज वो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से क्योंकि सेब हमारा एक महत्वपूर्ण फल हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है और सेब के बागीचों में हमें निरंतर कार्य करने की आवश्यकता होती है ताकि हम उस पर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। अब क्योंकि सेब के अधिकतर प्रदेश के भागों में सेब का तुड़ान हो चुका है और कुछ भागों में सेब का तुड़ान जैसे हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर चल रहा है, तो लेकिन सेब की तुड़ाई के बाद भी बहुत से ऐसे रोग संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो हमें बागीचों में करने हैं। आज हम इसी विषय पे आपको एक सेब में जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है वो है कैंकर रोग। इस वर्ष जैसे आप जानते हैं कि आपने जो विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी से सफलतापूर्वक जो है आपने जो स्कैब रोग का निदान बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा स्प्रेस ड्यूल हम हिमाचल सरकार और बागवानी विभाग और वैज्ञानिक इकट्ठा मिल के बनाते हैं, तो अधिकतर क्षेत्रों से मैं हमारे जो पादप रोग विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक हैं वो भी उन दिनों में बागीचों में प्रदेश के विभिन्न भागों में गए हैं। तो ये रहा है कि जिन लोगों ने जो स्प्रेस ड्यूल को पूरी तरह से फॉलो किया है उनके स्कैब का वहाँ पे पूरी तरह से नियंत्रण हुआ है। तो आज स्कैब के साथ ये जो कैंकर रोग है ये भी एक महत्वपूर्ण रोग है, और कैंकर रोग ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो बाकी रोग हैं कुछ रोगों में जैसे स्कैब रोग है जो मार्सोनिना का असामयिक पतझड़ की जो रोग है उसमें जो फफूंद है वो पेड़ से कुछ समय के लिए अलग हो जाती है, लेकिन कैंकर रोग है या हमारे जो कॉलर रॉट है रूट रॉट है ये कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ पे जो फफूंद है वो सदैव पेड़ के साथ जुड़ी हुई रहती है। और कैंकर रोग भी ऐसा ही है कि इसमें जो फफूंद है वो पेड़ के टहनियों और तने में वो जुड़ी हुई रहती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें जब पेड़ों का जो तुड़ान उसमें से हो गया है तो हमें हर एक पेड़ को गौर से देखना है कि उसमें कैंकर का कहीं कोई लक्षण तो नहीं है। तो कैंकर सामान्यतः जो जब छाल मर जाती है और छाल टहनियों पे या जो सेब के तने हैं उस पे धंसे हुए अंदर की तरफ को एक मोटी परत जो है उसकी छाल की मरे हुए भाग की पैदा हो जाती है, तो उसमें फिर वो एक जो कैंकर के सामान्यतः जो मोटे मोटे तरह से वो लक्षण होते हैं। और उसके अलावा फिर कैंकर जो है कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे हमारे किसान भाई देखेंगे कि अब ये पेपरी बार्क कैंकर है, पेपरी जैसे हम कहते हैं कागज की तरह वो छाल जो है ऊपर को उखड़ जाती है उस तरह का ये कैंकर होता है। तो ये भी एक जो बहुत सारे जो कैंकर होते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण कैंकर है। उसके बाद जो है हमारे पास एक तने का भूरा जिसको हम स्टेम ब्राउन कैंकर कहते हैं वो भी एक कैंकर है, वो अलग फफूंद द्वारा होता है। एक स्मोकी ब्लाइट कैंकर होता है जैसे आप देख रहे हैं जैसे धुएं का रंग होता है उस तरह से ये छाल हो जाती है। और एक आप ये देख रहे होंगे ये काला जो स्टेम है उस तरह का ये कैंकर होता है। उसके अतिरिक्त जो है एक यूरोपियन कैंकर होता है, एक नेल हेड कैंकर होता है जैसे उनके सिरों की तरह जो वो कैंकर जो है स्टेम्स के ऊपर उसके ऊपर तने के ऊपर बन जाते हैं। और एक अभी हाल के दिनों में हमें एक
रोंदू कैंकर जिसको हम कहते हैं, रोंदू जैसे छाल के ऊपर इस तरह से अंदर से रस निकलता है नीचे की तरफ को बहता हुआ, तो ऐसे लगता है जैसे आंखों से आंसू टपक रहे हों, उस तरह से वो वाला कैंकर भी हमें कुछ भागों को देखने में मिलता है। तो कैंकर जो है वो पहले एक टहनी के ऊपर आएगा, फिर उस टहनी को सुखा देगा, फिर उस टहनी से अगर हम उसको गौर नहीं करते हैं, नियंत्रण उसका नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो दूसरी टहनियों में फैल जाता है और धीरे धीरे जो है पूरा पेड़ जो है वो कुछ समय में जो 2-3 वर्षों में या कई बार अगर जो रोग की तीव्रता अधिक हो तो कई बार बहुत जल्दी भी पेड़ जो है पूरा सूख जाता है। और जो कैंकर हैं विभिन्न प्रकार के, इनके लक्षण तने और जो टहनियाँ हैं उनके साथ साथ पत्तों पे भी देखने को मिलते हैं। पत्तों के में अलग अलग तरह के धब्बे, जैसे एक कैंकर में जिसको हम फ्रॉग आई स्पॉट कहते हैं, जैसे मेंढक की आँख होती है उस तरह के गोल धब्बे बन जाते हैं। उसके बाद कैंकर के जो लक्षण है वो फलों के ऊपर भी नज़र आते हैं। अब तो हमें ये भी मान के चलना है कि कैंकर के लक्षण जो है वो तने और टहनियों पर ही नहीं होते हैं, पत्तों पे और फलों पे भी होते हैं। इसका महत्व ये है कि जब वो पत्तों पे और फलों पे होंगे तो वो अगर बागीचे पे नीचे गिरे होंगे तो वो रोग को फैलाने में उन पत्तों का जो रोगग्रस्त हैं कैंकर से और जो रोगग्रस्त फल हैं उनका भी महत्वपूर्ण जो है वो रोल होने वाला है। तो ये भी हमें वो देखना है। अब जहन में ये बात आती है कि कैंकर होते क्यों होंगे, तो एक तो जो पेड़ों में जो हम प्रूनिंग ट्रेनिंग करते हैं या पेड़ों में जो टहनियाँ अनवांटेड होती हैं उनको हम काटते हैं, तो उनके पेड़ों में जो प्रूनिंग ट्रेनिंग की गलत विधि और तरीके अपनाने से एक कारण तो ये इसका हो जाता है। और दूसरा जो हाल के कुछ दशकों में जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है ये भी एक इसका कारण रहता है। दूसरे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीनों से जो वर्षा जो है वो नहीं हो रही है, तो उसमें अभी हमने सितंबर माह में और अक्टूबर माह में ये देखने को मिल रहा है कि दिन और रात के तापमान के में अंतर बहुत होता है। तो जितना अंतर अगर ज़्यादा रहेगा, रात को तापमान कम हो जाता है दिन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उससे जो है जो पेड़ों की छाल है उसको नुकसान पहुंच जाता है और कई बार पेड़ों की छाल में बहुत छोटी छोटी या इस तरह की दरारें पड़ जाती हैं, तो वो एक जो कैंकर की फफूंद होती है उसको अंदर जाने में वो उससे मदद मिलती है। तो ये भी एक कारण होता है। और दूसरे इसके अलावा जो अतिरिक्त है जो हमारे पेड़ों पे जो नाशी कीट होते हैं उनकी वजह से, उनके आक्रमण से जो पेड़ों के टहनियों और तनों पे जो नुकसान हो जाता है, जो घाव पैदा करते हैं वो भी एक उसका ये होता है। और एक जो जनरल जिसको हम बहुत सामान्य कारण एक बहुत बताएंगे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो खादों का अगर हम उपयुक्त मात्रा में उपयोग नहीं कर रहे हैं, बगीचे में जो सिंचाई है उसकी उचित जो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ये भी एक जो और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि ये भी उसमें कैंकर के जो तीव्रता और तीव्रता उसके होने में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये कारण जो हैं ये रहते हैं। किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जैसे पेड़ों से इसकी तुड़ाई हो जाती है तो हमें हर एक पेड़ को गौर से देखना है। वैसे हमारे जो किसान भाई ऐसे अधिकतर बागीचों में तो हमें ये देखने को मिलता है कि बागीचे में बागवान को हर पेड़ की पहचान होती है और उसको पता होता है कि इस पेड़ में कोई हमें दिक्कत बीमारी की या कीट की या दूसरी कोई दिक्कत है, तो हमें उसको पेड़ को चिन्हित करना है कि इस पेड़ में कैंकर की समस्या है। और जब हमें ये कैंकर की समस्या का पता चल जाता है तो फिर हमें उसको गौर से देखना है कि कौन सी टहनी पे है, तने पे है। और
फिर जैसे हम इसके जो समाधान की बात करेंगे तो उसमें अब सारी चीज़ें हम आंखों से देख नहीं सकते, अगर फिर भी कोई कैंकर के लक्षण जो हैं पेड़ की किसी टहनी पे फिर भी रह जाते हैं उसका भी फिर हम किसानों को समाधान जो है उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जैसे ही पेड़ में कैंकर के, जो भी मैंने कैंकर बताया उसमें 5-6 तरह के कैंकर हैं जो प्रदेश के अंदर अलग अलग उसमें देखने को मिलते हैं, और जो भी कैंकर के उनको लगता है कि ये छाल के ऊपर असामान्य सा है, छाल जो वास्तविक रूप से होनी चाहिए उस तरह नहीं है, उसका भाग धंसा हुआ है और जहाँ पे छाल मर गई है, छाल का वो भाग मर गया है, तो उसको हमें उसमें उपचार जो है वो करना है। एक तो हमें इसमें चौबटिया पेस्ट, एक कॉपर कार्बोनेट लेड ऑक्साइड ये 800-800 ग्राम लेने हैं, और उसमें 1 लीटर अलसी के तेल में इसको मिला लेना है, और फिर किसी भी ब्रश के माध्यम से हम या कोई एक कोई लकड़ी का डंडा लेके आगे उस पर कोई कपड़ा बांध के, पर जो ब्रश है अगर वो होगा तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जहाँ हमने बनाया है जो भी प्रभावित भाग है उसको हल्का सा, जहाँ कैंकर का भाग है उसको हल्का सा खुरच लेना है, और खुरचना इस तरह से है कि वो जो सूखा हुआ और मरा हुआ पेड़ की छाल का भाग है वो निकल जाए और जो स्वस्थ भाग है पेड़ तने की छाल का वो ज़्यादा उससे नुकसान न पहुँचे खुरचने से, ये हमें ख्याल रखना है, और वो जो सूखा भाग है उसको निकाल दें, और उसके बाद जो चौबटिया पेस्ट है इसको लगाएं, या जो बोर्डो पेंट है जिसमें के नीला थोथा और बुझा हुआ चूना और उसमें 1 भाग नीला थोथा, 2 भाग बुझा हुआ चूना और उसमें 3 भाग जो है वो अलसी का तेल, 1, 2, 3 भाग में वो हम बोर्डो पेंट बना सकते हैं। तो इनमें से या चौबटिया पेस्ट या बोर्डो पेंट बना के हम वो जो प्रभावित भाग हैं कैंकर वाले उसके ऊपर हमें उसको लगा देना है, और हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर हम पेड़ से कोई बड़ी टहनी काट रहे हैं ठीक है तो वो भी एक जरिया हो सकता है फफूंद को अंदर जाने का, तो उस कटे हुए भाग के ऊपर भी हमें ये जो चौबटिया पेस्ट या जो बोर्डो पेंट है वो उसका जो है ऊपर लेप कर देना है ब्रश के साथ जो है। और एक हमें जैसे फलों में फलों की तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई होती है इसका हमें 300 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बना के इसका पेड़ों के ऊपर छिड़काव करना है, और दूसरा छिड़काव हमें जब प्रूनिंग ट्रेनिंग जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है पेड़ों में तो उसके बाद भी एक हमें एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव जो 300 ग्राम का 100 लीटर पानी में हमें छिड़काव करना है। प्रूनिंग ट्रेनिंग के बाद हम इसलिए छिड़काव कर देते हैं कि क्योंकि हमने प्रूनिंग ट्रेनिंग टहनियों को अलग अलग जगह से काटा होता है तो वो काफ़ी सारा जो वो भाग है वो जो कटे हुए हिस्से होते हैं वहाँ से भी फफूंद को अंदर जाने का अंदेशा रहता है, तो इसलिए जब हम छिड़काव कर देंगे तो वो आशंका ख़त्म हो जाती है कि फफूंद उसे अंदर जो है वो जाएगी। और जो एक हम किसानों से ये बात हमेशा करते हैं तो आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेब है, आम है और नींबू प्रजाति फल हैं, सब्जियां हैं, तो ये कुछ ऐसे बागवानी फसलें हैं जिसके लिए कि हम हर वर्ष जो है एक स्प्रे शेड्यूल तैयार करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारा लिटरेचर जो है जैसे हमारा डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी का है उसमें जो हमारा वेबसाइट के फ्रंट में भी, और जैसे मैं अपने प्लांट पैथोलॉजी विभाग की बात करता हूँ तो उस प्लांट पैथोलॉजी विभाग में जब आप जाएंगे वहाँ पर भी हमने, अब जैसे लहसुन की फसल लगनी है उसके रोगों के बारे में हमने चित्रों के सहित वहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो ये कैंकर और सेब के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्प्रे शेड्यूल हमारे जो उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश और विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर मौजूद होता है तो उस स्प्रे शेड्यूल को जब जब वो जो छिड़काव दवाइयों की जो मात्रा है वो उसमें पूरे रूप से दी होती है तो उसका जो है हमें पूरी तरह से पालन स्प्रे शेड्यूल का करना चाहिए। और उसके बाद किसानों को ये अच्छी बात है कि उसके बाद जो उनके अपने विचार हैं कि स्प्रे शेड्यूल कैसा फील्ड में काम कर रहा है, कोई
दिक्कत है, कोई उनको नई बीमारी या इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो ज़रूर हमारे जैसे प्लांट पैथोलॉजी विभाग का है वहाँ पे ईमेल हमने दी है। हम जितने भी किसानों के साथ जो गोष्ठियाँ होती हैं या आजकल वो हमारे वर्चुअल मीटिंग्स भी हो रही हैं, या हम कोरोना के बाद किसानों की छोटी छोटी मीटिंग्स हमने 12-15 जो है से ज़्यादा हमारे विभाग ने की हैं 20-20 किसानों के साथ, तो वहाँ पर भी हमें जिक्र करते हैं कि अगर आपको किसी भी रोग के संबंधित, अगर आपको किसी रोग के लक्षण के बारे में कोई आशंका है तो आप उसके फ़ोटो खींच के हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, और जैसे ही आपका हमें ईमेल प्राप्त होगा आप फ़ोटो उसमें अपलोड कर दें तो हम उसके जो है वो पहचान जो है, अगर हमारे वो जो बीमारियां और रोग जो हैं जो पहले से मौजूद हैं उनमें से उनके लक्षण होंगे तो हम बता देंगे, नहीं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सैंपल हमारे पास भेजिए, उसको हम फिर पूरी तरह से उसको उसके साथ कौन सी फफूंद है या हो सकता है कोई नया रोग हो उसके बारे में हम फिर सैंपल से उसको देख के अच्छी तरह से तो हम वो भी आपको बता देंगे। उसके अलावा जो है हमारे विश्वविद्यालय के जैसा आप जानते हैं विस्तार शिक्षा निदेशालय है, वो पूरी तरह से आपके संपर्क में, आपको हर एक जानकारी के साथ उनका पूरा संपर्क आपके साथ रहता है, तो उसमें आप टेलीफोन के माध्यम से भी, 16 का कोड आपको पता है 0792 कोड है, और 252-426-252-426 पे 16 का कोड लगा के आप टेलीफोन के माध्यम से भी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आज के जो ये सोशल मीडिया और ये माध्यम है ये एक सशक्त माध्यम है, हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन आजकल हमें एक ये जानकारी ज़रूर आपसे साझा करनी पड़ती है कि जानकारी जो अधिकृत लोग हैं, जो अधिकृत हैं विश्वविद्यालय उद्यान विभाग है और उसके अलावा जो जो भी अधिकृत है या केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करते हैं तो वो लें, और जानकारी जिसमें के जो रिसर्च का अभाव है उसका एक्सपीरियंस का अभाव है उस जानकारी को अगर हम नहीं लें तो अच्छी बात है। तो यही आज के जो ये आपसे चर्चा का विषय था।